भाई ये देखो क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा हार। आंखें पूरी चमक रही है यहाँ पे आके, ये गोल्ड देख के सब पागल होते हैं। कैसे होते? पागल जैसे होते हैं, पागल होते हैं। और बैंगल्स पूरी बेंड हो गई। मैं बोले हे भगवान। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल। और मम्मी यहाँ पे है और मैं यहाँ पे हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि यार इतने दिन से वीडियो बना रहे, ये लोग गए कहाँ? सो गाइस, हम लोग कहाँ भी नहीं गए, हम लोग यहाँ पे ही थे, थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी ख़राब थी। तो अभी मम्मी एकदम चार्ज अप है और मैं भी एकदम मस्त रेडी हूँ। और अभिषेक भी उसके ऑफिस में बिजी था, उसके ऑफिस के भी कुछ ना कुछ ना एक्टिविटीज़ थे और हम लोग भी हमारे काम में बिजी थे। सो मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट लेते हैं और वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करते, क्योंकि यार अभी विंटर भी आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट आ ही गया है। और अभी ग्लोबल विलेज भी स्टार्ट हो गया, मिरेकल गार्डन स्टार्ट होने वाला है। सो हम लोग एक एक करके आई को भी घुमाएंगे और मे बी ये टूरिस्ट ही देंगे और एक बार आई के साथ एक्सप्लोर करेंगे। सो अभी का हमारा क्या प्लान है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? राइट, आप लोग सोच रहे हो कि दोनों तैयार बैठे हैं, जाने कहाँ वाले हैं? सो मैं सोच रही हूँ कि आई को मैं जरा लेके जाती हूँ गोल्ड सूक, क्योंकि मुझे देखना था थोड़े बैंगल्स, वो वहाँ पे हम लोग जाके देखेंगे। अगर पसंद आया तो हम लोग लेंगे और नहीं पसंद आया तो एटलीस्ट थोड़ा विंडो शॉपिंग तो करके आते। ठीक, सो आई लेट्स गो, जाते हैं लेडीज के स्पेशल ठिकाने में, वो है गोल्ड सूक। हम लोग पहुंच गए अलगुबेवा मेट्रो स्टेशन, यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे गोल्ड सूक। बट गोल्ड सूक जाने के लिए हमें अभी पकड़ना है एब्रा, मतलब यहाँ की जो लोकल बोट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आरटीए का बोट राइड हम लोग करके जाएंगे उस पार। मतलब अभी हम लोग हैं अलगुबेवा साइड, फिर हम लोग बाद में जाएंगे गोल्ड सूक। ठीक है, चलो। और आई ने आई क्या दिख रहे हैं वहाँ पे, एमिरेट्स के प्लेन बहुत यहाँ पे घूम रहे हैं और यहाँ पे मस्त लोकेशन, यहाँ फोटो निकाले। आजू बाजू अभी टूरिस्ट लोग इतने आए हैं ना, सो ऐसे लग रहा है कि हाँ विंटर स्टार्ट हो गया। जैसे विंटर आता है ना, दुबई के लोग ना ऐसे हंसते खेलते बाहर निकल जाते हैं ना घर से, पागल होते हैं। कैसे होते? पागल जैसे होते हैं। हाँ, पागल होते दुबई। पता नहीं आई को आज यहाँ पे क्या हो गया, मस्त एक से बढ़कर एक जोक मार रही है। एक्चुअली मुझे कैप्चर करने से पहले वो जोक मार रहते हैं, तो उसके वापस बोलने बोलते तो वो स्पॉन्टेनियस निकलता नहीं, ऐसा हो जाता है। सो अभी ये मैंने रिकॉर्ड किया, जैसे कि क्या, यस बाय। हाँ, पागल हो गया आज। यहाँ पे बहुत सारी ये छोटी छोटी बोट्स यहाँ पे खड़ी है। अभी हम ये साइड से हमें वो साइड जाना है। सो अभी ये पकड़ के हम लोग गोल्ड सूक जाएंगे। चलो आई आई के तो बहुत सारे फोटो सेशन चल रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे आए वैसे। हाँ, बहुत सारे मेरा फोटो निकले। अरे इधर साड़ी भी मिलते हैं, हमारा साड़ी भी पहनते हैं। फिर देखो सब कुछ है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे वेस्टर्न ट्रेडिशनल सब कुछ आपको मिल जाएगा। भर भर के जा रही है बोट सारी। आई ठीक से बेटा, डोंट वरी। बाप रे, एकदम आई एकदम प्रो हो गई है। यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, अच्छा है तो मैं ट्रेन। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, यहाँ पे बैठो, यहाँ पे ही बैठो। हाँ, और बहुत दिनों के बाद हम लोग डे टाइम आए ना, तो हमेशा हम लोग नाइट में ही आते हैं। डे टाइम का नजारा यहाँ का बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है। एक ही शब्द बार बार बोल रही है, मतलब क्या फटक से वीडियो बंद कर दे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं रे। हाँ फिर क्या, आप बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं फटकन बोलते, बहुत अच्छा है। ये पकड़ो दो दिराम, वो पूछेगा तभी उसको दो दिराम दे देना। ओके, एक दिराम पर पर्सन, वन दिराम पर पर्सन, वन दिराम। हाँ, सस्ता है ना एकदम। अच्छा है, सस्ता आया इसलिए आई खुश हो गई ना, तो हमेशा पूछते कितना हुआ क्या हुआ। गाइस हमारी अभी ये बोट स्टार्ट हो गई है, अभी हम लोग जाएंगे गोल्ड सूक। बाय बाय करो भाई। बाय। किसको बाय कर रहे हो? ऐसे ही पब्लिक को बाय कर रहे हैं। हाँ चलो चलो। सो आई का कहना ये था कि जब हम लोग घर पे होते तभी इतना धूप नहीं लगती है, बाहर आके कितना धूप है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं गोल्ड सूक के तरफ। ये वॉकवे है, यहाँ से हमें जाना है। आई लवकर चला, सिग्नल छूटला। दिस इज बेसिकली ओल्ड पार्ट ऑफ दुबई,
यहाँ पे अभी आई आपको सब कुछ दिखाई देगा, गोल्ड, स्पाइस मार्केट और क्या क्या देखना है, गोल्ड देखना है ना, ड्राई फ्रूट्स मार्केट, मसाले सब मार्केट, मसाले मार्केट और स्पाइस मार्केट, हाँ दुकान वो सब हम अभी देखेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ड्राई फिश है। यहाँ पे आके ऐसा लगता है पूरा नहीं देख, ये गली देखो कैसे अंदर, ये पूरे स्पाइस मार्केट है, ऐसा लगता है ये मस्जिद बंदर है। आई को ऐसा लग रहा है कि ये हम लोग कहाँ आ गए ना, मुंबई में आए, हाँ क्या किधर आए ऐसा लग रहा है, अरे मस्जिद बंदर में आए ऐसा लग रहा है। यहाँ पे रोज का पेटल्स भी है, चाय में डालने था तो चाय मस्त लगती है। हम लोग आएंगे बाद में। यहाँ पे ये पूरी लेन वही है शायद यहाँ पे। ओ बाप रे, ये लेमन तो देखो कितना बड़ा है, ड्राई लेमन देखो यहाँ पे भी है। नहीं ये खजूर लगाएंगे, ये क्या है ऐसे ड्राई फ्लावर्स क्यों रखे हैं, फ्लावर के मिक्स रिलैक्सिंग के लिए, रिलैक्सिंग के लिए। और ये स्वीट वायलेट, स्वीट वायलेट उससे क्या होगा, ये टी है वो, टी मिठाई बना के पीते है और रिलैक्सिंग प्रेशर के लिए। अच्छा ओके ओके, मसालेदार टी है क्या, वो मसाला टी यहाँ पे नहीं मिलेगा। ऐसी थैली चाहिए, पर ये तो अपने मुंबई में अच्छी मिलती है यार, ये इतना खास नहीं लगा मुझे। जैसे आई बोलेगी ना उसको बोलने के मुंबई में चांगला मिलती है, थोड़ा चांगला मिलते ना, ये मेरी ट्रिक है। वो सब बोलती है, वो बोलते हैं मुंबई में अच्छा मिलते हैं, मुंबई में अच्छा मिलते हैं। कहाँ है, वाह ये शॉप क्या मस्त लग रही है एकदम, है ना आई, मस्त है ना शॉप ये, हाँ बहुत बड़ी है बुर्ज खलीफा। तो यहाँ पे ऐसे मस्त एकदम आपको ऐसे फ्लैट सनल मिलेंगे। ये इस्तानबुल में था, इस्तांबुल में हमने वहाँ से नहीं लिया। ये लाइट बहुत प्यारी लग रही है। बेसिकली हम लोग ये शॉप में क्यों आया पता है, क्योंकि हमको यहाँ पे फोटो खींचनी है इसलिए। अरे रुको रुको, सो यहाँ से अभी हमें एंटर करना है और ये है दुबई सिटी ऑफ गोल्ड। चलो गोल्ड मैडम आई, आप जहाँ भी जाते ना वहाँ पे आपका ड्रेस मैच हो जाता है। आज पे अपने गोल्ड कलर की मतलब ऐसे येलो कलर का ड्रेस पहना है और हम लोग अभी जा रहे हैं गोल्ड देखने के लिए। ऐसी हूँ आज, पता नहीं आई को क्या एकदम फुल एकदम फॉर्म में है, मैं कुछ बोलने से पहले आई बोल जाती है। ये तो कोई यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड हेवीएस्ट गोल्ड रिंग है, ये दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिंग है, पूरा एकदम सोना सोना हर जगह। ओह माय गॉड, ये जैगुआर तो देखो फुल एकदम गोल्ड का है, सही है ना, ये लेके जाने के घर पे। सो ये पूरी लेन जो है ना प्रॉपर गोल्ड सुख का ही है, हर जगह कपूर खानदान चमक रहा है ना। ही देखो अनिल कपूर है, करीना कपूर, ये पूरे लेन में ये दोनों की फोटोज है, इधर भी और इधर भी। ओह माय गॉड, ये हार देखो आई कितने बड़े बड़े है, ऐसा लेना चाहिए शादी में हार, है ना। तो बेसिकली अरबी लोगों की शादी होती है ना तभी इतने बड़े बड़े हार वो लोग पहनते हैं। इतने बड़े बड़े हार है। आज हमारा है ना ब्लॉग इतना कॉमेडी बन रहा है ना, आई बीच बीच में ना कुछ तो कॉमेडी करती ही जा रही है। ऐसे आंखें पूरी चमक रही है यहाँ पे आके, ये गोल्ड देख के सब कुछ। सो यहाँ पे ये इसका दूसरा किधर गया बैंगल्स, यही है क्या, ये कितना बोला आपने, 38 ग्राम, कितना 17 ग्राम, और मेकिंग चार्ज कितना इसका, सेम है 17 का, कितना मेकिंग चार्ज कितना पर ग्राम, 17 ग्राम, अच्छा पर ग्राम 17 ग्राम। तो ये तो अच्छा लग रहा है ना, ये दो ऐसे और ऐसे छोटे छोटे चार है। सो ये दोनों का टोटल कितना होता है फिर, ये दोनों का देख, ये चारों का देख, हाँ ये दोनों का भी बता और ये चारों का भी बताना है। ओ माय गॉड, ये वाले देखो कितने बड़े बड़े, आंखें पूरी चमक गई मेरी यहाँ पे। तो या आई ये शॉप के अंदर सब वैसे हार है बड़े बड़े। ओह इस शॉप पर यहाँ पे तो देखो ये वाला तो कितना मोटा है, ये अंगूठी भी देखो ये वाली कितनी बड़ी है। पहनना है आपको ये ऐसा अंदर जाके भाई। यहाँ पे जो देखो जीरो मेकिंग चार्जेस है, मतलब यहाँ पे मेकिंग चार्ज ही नहीं है। यहाँ पे देखो बैंगड़े फटक बांगड़ा क्या फटक से लेना है, हम लोग जस्ट चेक करते हैं। सी देखो जीरो मेकिंग चार्जेस।
सो गाइज अभी हम लोग यही शॉप में गए थे और सेम बैंगल्स देखा तो कितना था यहाँ पे 6316 और जो लास्ट वाला शॉप था वहाँ पे आउट नहीं विथ मेकिंग चार 7316। आई ये देखो क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा हार, कितना मस्त है ना, ये पहनोगे ना आप पूरा उसमें कवर हो जाओगे आप। ये तो क्या पे, अरे यहाँ पे तो पूरा ड्रेस है गोल्ड का। अंदर की शॉप देखो मस्त है ना, ये ऐसा दिखेगा देखो, और गॉगल भी है देखा क्या, सनग्लास ये देखो। तो अभी गोल्ड की गलियां घूम घूम के हम दोनों अभी थक गए और हमें यहाँ पे काफी अच्छा बेंच मिला है, हम लोग यहाँ पे बैठेंगे फिर उसके बाद हम लोग घर में जाएंगे, घर के लिए निकल जाएंगे। और टूरिस्ट तो इतने सारे आए ना, मैं आपको बताती हूँ देखो कितने सारे टूरिस्ट आ गए, ये गलियां पूरी भर गई यहाँ आई। यहाँ पे कई कई जीरो मेकिंग चार्जेस के शॉप्स भी है, लेकिन पता नहीं कैसा होगा गोल्ड, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पे थे तो ऐसा रिस्क तो मैं ले नहीं सकते, तो हम लोग अभिषेक को ही बुलाएंगे है ना आई। सो ये पूरी खाऊ गली यहाँ पे, और यहाँ पे हमें मिले हैं ऑनियन के भजी, कैसे ऑनियन के भजी अच्छी है, ट्रेस करके देखते हैं, अभी बनाए गर्म है। सो अभी हमारा खाना पीना हो गया है, आई को भजी पकौड़े मिल गई, आई खुश हो गई, लेकिन मेरे डाइट की बात लग गया। आई नो आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट था क्योंकि हमें विंडो शॉपिंग करनी थी और जो मुझे बैंगल्स चाहिए थे वो मैंने सिलेक्ट किया है और हम अभिषेक को लेके जाएंगे वहाँ पे है ना, हमारा कैशियर को लेके जाएंगे। मुझे यहाँ पे बैठ के खाना था यार और आई ने मुझे पकौड़े खिला दिए, ये कितना मस्त था लोकेशन यहाँ पे बैठ के। अरे ऐसे ही कैसे बैठूँ, कुछ तो लेके बैठना पड़ेगा ना। बाप रे क्या कॉन्फिडेंस बढ़ गया आई का। और क्या किया गोल्ड शॉप में वो अभी हम आपको बताते हैं आगे जाके। सो मजे के बाद ये हुई, हम गए गोल्ड शॉप में और मुझे बैंगल्स देखने थे, और वो जो बैंगल्स थे वो कितने ग्राम की थी आपने जो देखा था, वो 10 ग्राम ओके 10 ग्राम की वो बैंगल थी। और ऐसे आई ने देखो उसका पिचका और बैंगल्स पूरी बेंड हो गई, मैं बोले हे भगवान, डर गई मैं डरी नहीं, मैं उनको बोलती थी यार थोड़ा सा हमने देर स्क्वीज किया तो पूरी बेंड हो गए, बड़ो कुछ बोले नहीं, ये जो स्टाफ था उसके साथ उसने थोड़ा झिकझिक किया, हमें थोड़ा बुरा लगा और आई तो पूरी डर गई। ऐसा हल्का क्यों दिखाया कस्टमर को, ऐसा बोला वो, अभी वो कस्टमर पहनेगा ही ना, अगर हल्का भी हो पहनना तो चाहिए ना इतना मतलब। और वो जो ज्वेलर था वो मतलब ब्रांडेड था, मैं उसका नाम नहीं यहाँ पे बताऊँगी, लेकिन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो गया कि ऐसे क्या बता रहे, बट ठीक है हमारा तो गोल्ड सुख घूम के हो गया है। आई की भी इच्छा थी गोल्ड जाके देखना, तो बैंगल्स भी ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो गए हैं, बस अभी अभिषेक का आना बाकी है। सो ये व्लॉग हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, आई होप आपको ये आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो क्या करना है, अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। आई लव फुल सिंग गया बोलना मत, हाँ बोलना नहीं यार, तो चलो ना मालूम है और क्या कर रहे हैं नहीं सॉरी सॉरी चलो बाय।